हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। मेरा नाम रोहित है और आज के वीडियो में हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इस चैप्टर का कौन सी वीडियो पढ़ी थी? हमने पढ़ी थी बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में। पढ़ा था मैं बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में, तो प्लेलिस्ट में जाके वो देख लेना पहले, उसमें भी कॉन्सेप्ट आपके काफ़ी क्लियर होंगे। आज की वीडियो में हम क्या पढ़ रहे हैं? आज की वीडियो में हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, पहला लॉ ऑफ मोशन न्यूटन का। तो पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको ये पता होना चाहिए बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स क्या होती है। बैलेंस फोर्स मतलब जिसमें नेट फोर्स जीरो होती है, अनबैलेंस फोर्स मतलब कुछ ना कुछ अनबैलेंस फोर्स होती है जिसकी वजह से बॉडी में या तो मूवमेंट होगा अगर वो रेस्ट पे है तो, और अगर मोशन पे है, यूनिफॉर्म मोशन में है, तो उसकी स्पीड कम होगी या फिर वो रुकेगा। ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट मैं बैलेंस अनबैलेंस फोर्स वाली वीडियो में बता चुका हूँ। अब आ जाओ आप जंप करके आज की वीडियो पे। अच्छा जी, आज की वीडियो क्या कह रही है, समझ आ रहा है ना तुम्हें? आवाज आवाज आ रही है कि नहीं आ रही, चेक करता हूँ। हेलो, हाँ ठीक है। तो आज की वीडियो का जो ये पहले तो न्यूटन फर्स्ट लॉ है, उसको आसान भाषा में मैंने लिखा है, वो क्या कहता है उसको पढ़ो और समझने की कोशिश करो कितना समझ आया तुम्हें। ये कह रहा है, इट स्टेट्स दैट एन ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू टू रिमेन इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ अनलेस एनी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। ये जो एक्सटर्नल फोर्स यानी कि अनबैलेंस्ड, मतलब बैलेंस है तो भाई फोर्स कुछ लगी नहीं रही ना, दोनों तरफ से बैलेंस हो गई, फोर्स जीरो हो गई नेट फोर्स। तो अनबैलेंस फोर्स है मतलब कुछ फोर्स लग रही है, तो वही कुछ फोर्स जो लग रही होती है उसी को एक्सटर्नल फोर्स बोलते हैं। तो ये समझ आया आपको न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कह रहा है? न्यूटन फर्स्ट लॉ आसान भाषा में ये कह रहा है, ये पढ़ लिया आपने, आसान भाषा में ये कह रहा है कि अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है, मान लो फॉर एग्जाम्पल ये बॉक्स ही है, ठीक है, गौर से सुनो, मान लो ये बॉक्स है और ये एकदम रेस्ट पे है, ठीक है, एकदम रेस्ट पे रखा हुआ है और फ्रिक्शनल फोर्स जीरो है, सब कुछ जीरो है। ये आइडियल कंडीशन होती है, वैसे आइडियल कंडीशन होती है कि एकदम सब कुछ हम कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं, ये आइडियल कंडीशन होती है, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स या कुछ ना कुछ फोर्स लगती रहती है रियल लाइफ एनवायरनमेंट में। तो आइडियल कंडीशन ये कि एक बॉक्स एक रखा हुआ है और उस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रही, कोई फोर्स नहीं लग रही, ठीक है, तो ये हमेशा रखा ही रहेगा, समझ रहे हो? यही तो कह रहा है, इट्स विद द ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू टू रिमेन इन स्टेट ऑफ रेस्ट। रेस्ट मतलब अगर वो बैठा हुआ है एक जगह तो वो बैठा ही रहेगा अनलेस एनी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। तो ये बैठा रहेगा जब तक कि इसको कोई उस पर कुछ फोर्स ना लगी हो या कुछ हो ना, तो एक अपनी पोजिशन पे हमेशा बैठा रहेगा। और सिर्फ रेस्ट ही नहीं, दूसरी बात क्या कह रहा है, इन स्टेट ऑफ रेस्ट और, ये मैंने और बताया ना, और अगर कोई यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है, यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है, तो वो हमेशा चलता ही रहेगा अगर उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे, वो रुकेगा नहीं, उसकी स्पीड कम नहीं होगी, वो हमेशा चलता रहेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो ये व्हीकल है आपका, ये व्हीकल है और मैंने अभी बताया कि आइडियल कंडीशन होती है, आइडियल मतलब ये हाइपोथेटिकल कंडीशन होती है, ऐसे रियल लाइफ में अचीव करने वाली कंडीशन इम्पॉसिबल होता है कि भाई कोई फोर्स नहीं लग रही। मान लो ये बस है, अगर इस डायरेक्शन में चले जा रही है एक यूनिफॉर्म मोशन के साथ, ठीक है, चले जा रही है, चले जा रही है, चले जा रही है, उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही, ना फ्रिक्शनल फोर्स लग रही, सब जीरो है, सारी चीज़ जीरो है, तो बस ये चले जा रही है, आइडियल कंडीशन है ये, तो ये चलती रहेगी थ्रू आउट, फॉर एवर चलती रहेगी बस उसी स्पीड के साथ, जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगे। एक्सटर्नल फोर्स मतलब ये जैसे हमारे जो टायर होते हैं बस के या किसी भी व्हीकल के, वो क्यों घिस जाते हैं? क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स लग रही होती है ना, रोड की फ्रिक्शनल फोर्स लगती है अपोजिट डायरेक्शन में, तो घिस 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 के टायर हमारे गिर जाते हैं। अगर कुछ ना हो, कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग रही हो, जो कि एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है, तो ये बस जिंदगी भर थ्रू आउट इन्फिनिटी टाइम तक चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, फॉर एवर, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, या तो कोई ब्रेक लगे या फ्रिक्शन फोर्स लगे, मतलब कोई ना किसी टाइप की कोई फोर्स लगे, तभी इसका मोशन रुकेगा, वरना इन्फिनाइट चलती रहेगी। सिमिलरली अगर कोई चीज रेस्ट पे, तो इन्फिनाइटली रेस्ट पे रहेगी अनलेस कोई एक्सटर्नल फोर्स लगे उस पर। तो आप समझे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कह रहा है? अब दोबारा हम इसको कंक्लूड करते हैं कि न्यूटन फर्स्ट लॉ मोशन ही कह रहा है, आसान भाषा में समझाया ना मैंने आपको न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ ये कह रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर उसके ऊपर हाइपोथेटिकल में, जैसे कि मैंने बताया रियल लाइफ में ऐसी सिचुएशन पैदा करना बहुत मुश्किल होता है कि कोई फोर्स ना लग रही हो, ठीक है, कोई कहीं अगर मान लो कोई बॉल भी या बॉक्स भी आप जमीन पर रखोगे, तो उसका उस बॉक्स का सरफेस और जमीन के सरफेस पे फ्रिक्शन फोर्स तो लगेगी, तो आइडियली ऐसी सिचुएशन नहीं बना पाते हम। लेकिन कॉन्सेप्ट के लिए आप ये समझोगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है, तो वो थ्रू आउट
इन्फिनिटी टाइम तक वो रेस्ट पे ही रहेगा, जब तक कि उस पर कोई फोर्स ना लगे, किसी भी टाइप की एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। या फिर सिर्फ रेस्ट की नहीं, या फिर अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो मोशन में से चल रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, मान लो चल रहा है, तो वो जिंदगी भर इन्फिनाइट टाइम तक चलता रहेगा, रुकेगा नहीं कभी भी, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो हम जो अपनी लाइफ में, अगर मान लो ये फ्लोर है, ठीक है, तो ये फ्लोर पे ऐसे बॉल है, मान लो ये बॉल है, और ये बॉल को हमने पुश किया, तो ये बॉल ऐसे यहाँ से चल रही है, चल रही चल रही चल रही है, तो एक पॉइंट पे जाके ये बॉल रुक जाएगी यहाँ पर। तो क्यों रुकती है? क्योंकि इस डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है, अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में फोर्स लगी भाई, इस डायरेक्शन में फोर्स लगी तो ये बॉल चली आगे की तरफ, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगी तो एक पॉइंट पे जाके ये बॉल रुकी जाएगी। लेकिन अगर मैं ऐसी हाइपोथेटिकल कंडीशन बना दूं कि ये जो बॉल चली, ये चलती गई और उसके ऊपर कोई, ये मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है, चल रही चल रही, और कोई फोर्स नहीं लग रही इसके ऊपर, अगर कोई भी इस पर फोर्स नहीं लग रही, तो ये जिंदगी भर चलती रहेगी, समझ रहे हो? तो ये है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब दोबारा पढ़ो स्टेटमेंट, अब देखो अब समझ आएगा पूरा, अब पढ़ो। न्यूटन फर्स्ट लॉ स्टेट करता है, मतलब बोलता है कि दैट एन ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू टू रिमेन इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, मतलब कोई ऑब्जेक्ट है वो कंटिन्यू हमेशा रहता है, रिमेन रहेगा अपनी रेस्ट पे, और या फिर अपनी मोशन में, इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ, अनलेस कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट हो उसके ऊपर। तो वही तो मैंने समझाया कि अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा जिंदगी भर इन्फिनिटी टाइम तक, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, और अगर मोशन में है, चल रहा है वो, और कोई फोर्स नहीं लग रही उसके ऊपर, तो चलता ही रहेगा थ्रू आउट, रुकेगा नहीं। लेकिन मैंने जैसे कि बताया, ये हाइपोथेटिकल कंडीशन है, क्योंकि रियल लाइफ में कोई ना कोई फोर्स लगेगी। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, ये बॉल वाला, ये बॉल हमने फ्लोर पे चलाई, तो ये बॉल चली लेकिन रुकती है एक पॉइंट पे जाके। क्यों रुकती है? क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है, और भी चीजें लग रही होती है, और भी फोर्सेस लग रही होती है, तो बॉल रुक जाती है, अपने मोशन से रुक जाती है। अगर मान लो हम इसको ऐसी एक आइडियल सिचुएशन में प्रोवाइड करें, ऐसी आइडियल सिचुएशन बनाएं लैब में या कहीं, जहां पर उस इस बॉल पे या कहीं भी कोई फोर्स नहीं लग रही हो, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स हम जीरो कर दें, तो जिंदगी भर चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। लेकिन कैसे करोगे फ्रिक्शनल फोर्स जीरो? आप पॉलिश कर लो बॉल को, सरफेस को, या फ्लोर के सरफेस को, लेकिन जीरो तो नहीं कर पाओगे कभी भी, ठीक है? तो ये है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। द बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, द बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन मोशन अंटिल और अनलेस एनी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। ये है आपका न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अच्छा जी, अब एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, एक नया टर्म आपके लिए बताता हूँ, उसका नाम है इनर्शिया। इनर्शिया क्या बला है वो भी देख लेते हैं। इनर्शिया, इनर्शिया की मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा सा जान लो, नेक्स्ट वीडियो इनर्शिया पे आएगी आपकी, कि इनर्शिया होता क्या, थोड़ा सा जान लो, बाकी एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे। अलग सी वीडियो हो जाती है ना, तो मान लो किसी टॉपिक पे आपको कन्फ्यूजन हो रहा हो, तो आराम से वीडियो खोल के पढ़ सकते हो, इसलिए हर टॉपिक की अलग वीडियो बनाना ठीक है। हाँ, इनर्शिया, तो इनर्शिया क्या है? इनर्शिया बेसिकली है, इसको पहले लिख देता हूँ मैं, द नेचुरल टेंडेंसी, मतलब जो पहले लिख देता हूँ मैं, उसके बाद तुम पढ़ना उसको, ठीक है? तो इनर्शिया किस बला का नाम है, उस पर अलग वीडियो आएगी, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा समझ लो आप, कि द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट, रेजिस्ट मतलब रोकना, अ चेंज इन देयर स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड इनर्शिया। मतलब आसान भाषा में फिर से, कि किसी भी ऑब्जेक्ट की नेचुरल टेंडेंसी होती है कि वो जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहे, और अगर उसके अंदर कोई चेंज आ रहा है तो उसको वो रजिस्ट करे। आसान भाषा में मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, दोबारा सुनो एक एक वर्ड मेरा गौर से, कि किसी भी ऑब्जेक्ट की नेचुरल टेंडेंसी होती है कि वो जो उसकी स्टेट है, स्टेट मतलब या तो वो रेस्ट पे होगा, रुका हुआ है, या फिर वो मोशन में होगा, चल रहा होगा, दो स्टेट हो सकती है, ये तो चल रहा होगा या फिर रेस्ट में होगा। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की ये टेंडेंसी होती है कि वो जो अपने जो भी उसकी स्टेट है, चाहे वो रेस्ट वाली स्टेट हो चाहे मोशन वाली स्टेट हो, वो उसी में रहना चाहेगा। तो वो अगर उसको चेंज कर रहे होंगे तो वो उसके उसके खिलाफ रेजिस्टेंस पैदा करेगा। इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये जो नेचुरल टेंडेंसी है इसी को बोलते हैं इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल कि मान लो ये बस है, ये कि रेस्ट पे है, तो अगर इसके चलो वो इनर्शिया में बाद में आपको समझाऊंगा, उसमें अभी कंफ्यूजन हो जाएगा, बस आप इतना ध्यान रखो, अभी नेक्स्ट वीडियो इनर्शिया आ रही है ना, उसमें डिटेल में समझाऊंगा मैं एग्जांपल बस उस वाले। अभी आप बस इतना समझ लो कि हर ऑब्जेक्ट की, दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, उनकी नेचुरल टेंडेंसी होती है, नेचुरल टेंडेंसी होती है कि वो अपने जो भी स्टेट है, या तो वो रुका हुआ है वो उसकी स्टेट है,
या फिर मोशन में वो उसकी स्टेट है, तो वो उसी स्टेट पे रहना चाहेगा। अगर रुका हुआ है तो रुका हुआ ही रहना चाहेगा, मोशन में तो मोशन में ही रहना चाहेगा, और अगर उसके अंदर कोई चेंज आ रहा होगा तो वो उसको रेजिस्ट करेगा, रोकेगा। तो इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम, ऑब्जेक्ट की इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम, इनर्शिया। ठीक है, बिल्कुल आसान भाषा में मैंने समझा दिया आपको। अभी इनर्शिया क्या है, इनर्शिया एंड मास में क्या रिलेशनशिप है, ये सब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आई होप आपको ये न्यूटन का पहला लॉ समझ आ गया होगा। ये इनर्शिया और न्यूटन का पहला लॉ एक तरह से रिलेटेड है, क्योंकि जो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है ना, इसका दूसरा नाम है लॉ ऑफ इनर्शिया, लेकिन मैं इसको फिर भी अलग रखना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर इसी में आपको थोड़ा सा इनर्शिया समझाया, इसीलिए मैंने समझाया। लेकिन न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आपको समझ आ गया होगा आई होप, इनर्शिया हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है इसका दूसरा नाम क्या है, पूछ सकते हैं वन मार्क में, इसका दूसरा नाम है लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया। तो वही क्या क्या बता रहा था मैं, हाँ कि ये है आपका न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, के दोबारा सुनो कि कोई बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट और द बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन मोशन अंटिल और अनलेस एनी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। ठीक है जी, यही था न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और इनर्शिया क्या है, इनर्शिया भी समझा दिया, इनर्शिया तो नेक्स्ट वीडियो में और समझ लेना। ठीक है, तो खत्म करते हैं इस वीडियो को। आई होप आपको ये न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का जो मैंने कोशिश की है कि आसान भाषा में आपको समझाऊंगी, समझ आ गया होगा, और नहीं आया होगा तो फिर कमेंट सेक्शन में बेइज्जती कर दो मेरी। ठीक है, नहीं यार पूछ लो कुछ भी, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, कर लो बेइज्जती, हम भी करते थे अपने टीचर्स की, तुम भी कर लो। और क्या, हाँ बस ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, आराम से पढ़ो, बहुत टाइम है। अगर वीडियोस देखते जाओगे प्रॉपरली तो आराम से पढ़ पाओगे। ठीक है, स्माइल करो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।